क्या इस देश में डिक्टेटरशिप आने वाली है? 2024 के चुनाव भारत के अंतिम चुनाव होंगे? यदि ये प्रश्न आपके दिमाग में भी एक वायरस के रूप में घुस गए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और यदि इस वायरस से आप अछूते हैं तो ये वीडियो आपके लिए और भी आवश्यक है। नमस्कार दोस्तों, क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? YouTube पर पब्लिश होते एक के बाद एक वीडियोस भारत में डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हैं। कॉन्टेंट तक एक जैसा है इनका। हर क्रूर तानाशाह को लगता है कि वो अजय है, लेकिन हर क्रूर तानाशाह डरपोक। लेकिन अगले एक साल में ही हो सकता है इट कुड बी द एंड ऑफ द देशभक्त। तो चलिए हर उस मुद्दे पर बात करते हैं जिससे भारत में डिक्टेटरशिप और नरेंद्र मोदी को हिटलर प्रमाणित किया जा रहा है। मार्केट में आए नए नशे के अनुसार 2024 इस देश में अंतिम इलेक्शन है और इसके बाद नरेंद्र मोदी एक डिक्टेटर बनने वाले हैं। पर यह न्यूज इतनी भी नई नहीं है। 2007 में गुजरात में चुनाव थे और इसी साल आर्टिकल छपता है परजानिया और डिक्टेटर ऑफ गुजरात। इसके बाद 2007 में CSDS ने गुजरात के भीतर एक पोल करवाया था कि मोदी के काम करने का ढंग डिक्टेटर वाला है या नहीं, और इसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया के 2007 के इस आर्टिकल के अनुसार नरेंद्र मोदी और हिटलर में काफी समानताएं हैं। 2012 में गुजरात में फिर से इलेक्शंस थे और 2011 में RSA के एक लीडर गोविंदाचार्य ने नरेंद्र मोदी को खुलेआम डिक्टेटर कह दिया। अक्टूबर 2011 में फिर से कांग्रेस के एक सम्मेलन में मोदी को तानाशाह बोल दिया गया। केशु भाई पटेल, जिन्हें हटाकर नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने भी हिटलर जैसे शब्दों का प्रयोग कर दिया। केशु भाई पटेल ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जूनागढ़ की रैली में केशु भाई पटेल ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी हिटलर की तरह आगे बढ़ रहे हैं। अब 2014 के जनरल इलेक्शन आ जाते हैं और सबको दिख रहा होता है कि नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया जाएगा BJP के द्वारा, और इसके बाद लोगों ने ऐसे बयानों की झड़ी लगा दी। फरवरी 2013 में सिंगर विशाल डल्लाली ने मोदी को डिक्टेटर कह दिया। 9 जून 2013 को कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन मीम अफजल ने एक स्टेटमेंट दी कि नरेंद्र मोदी एक डिक्टेटर था, है और रहेगा। अगस्त 2013 में दिग्विजय सिंह का बयान था कि मोदी हिटलर के पदचिन्हों पर चल रहा है। अक्टूबर 2013 में कांग्रेस का आधिकारिक बयान था कि मोदी हिटलर की तरह है जो क्राउड बुला सकता है पर वोट नहीं ले सकता, और 2013 में ही नीतीश कुमार ने भी मोदी को हिटलर जैसा कह दिया था। मीडिया भी पीछे नहीं था इस कार्य में। 2013 में ओपन मैगजीन में छपा ये आर्टिकल नरेंद्र मोदी को फिर से डिक्टेटर बताता है। 2013 में ही इंडिया टुडे के इस आर्टिकल में भी मोदी के लिए डिक्टेटर शब्द का प्रयोग किया गया। 25 मार्च 2014 को इलेक्शन से जस्ट पहले फारूक अब्दुल्ला का बयान था कि मोदी के आते ही भारत डिक्टेटरशिप बन जाएगा। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, पर यह बयानबाजी रुकती नहीं है। चुनाव के बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी मोदी को डिक्टेटर कह देते हैं, और जब भी गुजरात में या देश में चुनाव होते हैं नरेंद्र मोदी के साथ हिटलर या तानाशाह जैसे शब्द जोड़े जाते हैं। 2017 में गुजरात में फिर से चुनाव होते हैं और तरुण गोगोई और ममता बनर्जी का उससे पहले ये बयान आता है। नाउ मोदी वांट टू बी डिक्टेटर ऑफ इंडिया, ही वांट टू रूल एवरी स्टेट्स। डिक्टेटरशिप चलछे, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फरवरी 2017 में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी एक बेशरम डिक्टेटर है। 2019 में देश में फिर से चुनाव होते हैं और 2018 में मल्लिकार्जुन खड़गे जी का ये बयान आया। यहाँ इस देश में डिक्टेटरशिप लाने की कोशिश हो रही है, और ऐसे अनेक आर्टिकल्स मीडिया में छापे गए। कई पॉलिटिशियंस के ऐसे बयान आए, पर एक बयान सबसे अलग था जिसमें कहा गया था कि 2019 के बाद इस देश में चुनाव ही नहीं होंगे। अगर मोदी और अमित शाह की जोड़ी 2019 में दोबारा बन गई, दोस्तों ये संविधान बदल देंगे, इस देश में चुनाव बंद करा देंगे। जो हिटलर ने किया था मोदी और अमित शाह की वही मंशा है। इनके अनुसार 2019 इस देश का अंतिम चुनाव था और 2024 में हम फिर से वोट देने वाले हैं, और इन चुनावों से पहले फिर से यही बयानबाजी चालू हो चुकी है जिसे यूट्यूबर्स और मीडिया के थ्रू पुश किया जा रहा है। मेरे दिमाग में बस एक सवाल आता है ये सब देखकर कि ये लोग अपनी पुरानी वीडियो नहीं देखते हैं क्या, या फिर लोगों को भूतिया समझ रखा है। वैसे जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो भी फासिस्ट, डिक्टेटर, हिटलर जैसे शब्द बांधे गए थे उनके लिए, तो ये शब्द केवल मोदी के लिए संभाल कर नहीं रखे गए हैं। जब भी राष्ट्रवादी सरकार आती है ये शब्द यूज किए जाते हैं। अब जरा थोड़ा ये देखना चाहिए कि क्या एक्चुअली में भारत डिक्टेटरशिप की ओर जा रहा है। देखिए, डिक्टेटर या हिटलर जैसे शब्दों का प्रयोग चाहे कोई नेता करे या मीडिया करे या कोई यूट्यूबर करे, वो अपने इस क्लेम को बैक करने के लिए कुछ दलीलें देता है। रिसेंटली वायरल हुए एक वीडियो में इन सारी दलीलों को एक साथ जोड़ दिया गया और कुछ प्रश्न उठाए गए थे। उस वीडियो में कहा गया कि करंट गवर्नमेंट में मीडिया का अंत कर दिया गया है, MLA खरीद कर हॉर्स ट्रेडिंग से सरकारें बन रही हैं, गवर्नर के यूज से राज्य सरकारों की पावर छीनी जा रही है, इंस्टीट्यूशंस और एजेंसीज का प्रयोग करके विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, राज्य सरकारों का पैसा रोका जा रहा है और लोगों को प्रोटेस्ट करने से भी रोका जा रहा है, और इलेक्शंस में भी फ्रॉड हो रहा है। इन सब पॉइंट्स पर एक एक करके बात करते हैं। क्या इस देश में इलेक्शन फ्रॉड हो रहे हैं?
फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे। भारत में 31 राज्य हैं। इस समय पूरे भारत में केवल 6 राज्यों में अपने दम पर बीजेपी की सरकार है, जो आपको इस मैप पर दिख भी रहा होगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी डोमिनेंट पार्टनर के रूप में अपना दल के साथ है, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ है, और अगर कोएलिशन सरकारें भी देखी जाएं तो 12 राज्य ऐसे हैं जिसमें एनडीए की सरकार है। 31 में से यदि 6 राज्यों में अपने दम पर सरकार है और कोएलिशन को मिलाकर भी 12 राज्यों में सरकार है, तो मेरी नजर में तो इसे डेमोक्रेसी कहते हैं। इसके बाद लोगों का आर्गुमेंट है कि केवल चुनाव होना प्रजातंत्र नहीं है, नॉर्थ कोरिया में भी चुनाव हो रहे हैं। लेकिन पता है क्या, इलेक्शंस तो नॉर्थ कोरिया में भी होती है। पर नॉर्थ कोरिया में 50% से अधिक राज्यों में ऑपोजिशन की सरकारें नहीं चल रही हैं। पर चलिए इस पॉइंट को ईयर वाइज भी देखने का प्रयास करते हैं। 2018 में भारत में 9 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिसमें से 6 राज्यों में बीजेपी चुनाव हार गई थी, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक जैसे राज्य थे जहां बीजेपी वर्षों से स्ट्रांग रही थी और सरकारें बना रही। इसके अलावा 2018 में 13 सीटों पर लोकसभा बाइपोल्स भी हुए थे, बीजेपी इसमें से 11 सीटें हार गई, यानी 80% सीटें हार गई। मेरा प्रश्न ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बिना ये संभव है? यदि 2019 के चुनाव देखें तो 2 सीटों पर लोकसभा बाइपोल्स हुए थे, दोनों बीजेपी हार गई। इसके अलावा 7 राज्यों में चुनाव हुए थे, केवल अरुणाचल में बीजेपी क्लियर जीती और हरियाणा में कोएलिशन की सरकारें बनी, बाकी 5 जगह विपक्ष की सरकार। 2020 में 2 राज्यों में चुनाव हुए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी और बिहार में जेडीयू बीजेपी कोएलिशन की सरकार, जो कितने दिन चली सबको पता है। 2021 में 5 राज्यों में चुनाव हुए, 3 में विपक्ष की सरकार बनी और 2 में बीजेपी कोएलिशन। 2022 में 7 राज्यों में चुनाव होते हैं और 5 में बीजेपी या उसके समर्थन की सरकार बनती है, और 2023 में 9 राज्यों के चुनावों में 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती है। 2018 के बाद से केवल 2022 ऐसा साल गया है जब बीजेपी ने राज्य चुनावों में डोमिनेट किया है। मेरे हिसाब से डिक्टेटरशिप में यह संभव नहीं है। ऑपोजिशन का काम है ईवीएम पर प्रश्न करना, क्योंकि बीजेपी जब ऑपोजिशन में थी स्वयं बीजेपी ऐसा करती थी, पर इलेक्शन रिजल्ट्स ईवीएम का सच स्वयं बता रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न उठाया जा रहा है ये कहकर के प्रशांत किशोर ने ऐसा कहा है। प्रशांत किशोर ने तो खुद ही कह दिया कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की एक्सटेंशन है। अब भाई यदि प्रशांत किशोर का कहा हुआ ही प्रमाण के रूप में प्रयोग हो सकता तो सारा विपक्ष इस समय कोर्ट में होता, पर एक देश के रूप में हमें चिंतित होने की आवश्यकता है जब कोर्ट ये बात कह दे। 2023 में बंगाल में पंचायत चुनाव हुए, जिसमें 12 लोग मारे गए, रिगिंग और मतदान करने वाली पेटियों को लूट जाना पूरे राज्य में रिपोर्ट हुआ, और ये बंगाल में सालों से हो रहा है। 2018 में 30% सीटों पर टीएमसी का कैंडिडेट अनकॉन्टेस्टेड जीत गया, क्योंकि कोई दूसरा कैंडिडेट था ही नहीं, और उसका रीजन पता है क्या है? सबटाइटल्स पढ़ लेना। ভেঙেছে কাল রাত্রি টাবলা চেপে পানি ঢুকতে পাচ্ছি না, পানি সামনে কি হুমকি দিচ্ছে, ভোট হয়ে গেল মেলে ফেলে দেবে আমাদের। कोर्ट ने इस वायलेंस पर स्टेट और केंद्र सरकार से एफिडेविट देने को कहा। अब सोचिए प्रशांत किशोर का कहां मैटर करेगा या कोर्ट का। बात केवल इतनी है कि जिस व्यक्ति की पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़े और उस व्यक्ति के नाम पर चुनाव में वोट भी मांगे जाएं और वो व्यक्ति अपने नाम पर चुनाव जीतवा कर भी सरकार ना बनवा पाए, तो क्या धूल डिक्टेटर है? डिक्टेटरशिप के प्रमाण के रूप में अगली बात ये कही जाती है कि बीजेपी के पास बहुत अधिक धन है और उस धन का प्रयोग मात्र लहर बनाने के लिए नहीं किया जाता है। पार्टी के पास हजारों करोड़ रुपए हैं। प्रॉब्लम यह सिर्फ इलेक्शंस की नहीं है, अगर किसी ऑपोजिशन पार्टी की सरकार बन भी जाती है तो भी उस सरकार को गिरा दिया जाता है। यहाँ पर अनगिनत बार एलिगेशंस लगे हैं हॉर्स ट्रेडिंग के बीजेपी पर। इज हॉर्स ट्रेडिंग बीइंग नॉर्मलाइज्ड इन द कंट्री? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी हॉर्स ट्रेडिंग को बहुत डिस्टर्बिंग बताया, जो कि है भी और इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। हर पार्टी इस गंदी राजनीति में लिप्त है, इंक्लूडिंग बीजेपी, परंतु बात यहां पर डिक्टेटरशिप की हो रही है। हॉर्स ट्रेडिंग और डिक्टेटरशिप दो अलग बातें हैं, और यदि नहीं है तो हॉर्स ट्रेडिंग तो वर्षों से हो रही है। 2016 का और 2010 का ये आर्टिकल आप देखिए, इन आर्टिकल्स की भाषा या आरोप सेम है, एक 2016 का है, एक 2010 का। हॉर्स ट्रेडिंग ना एक ऐतिहासिक समस्या है, जिसका सबसे पुराना एग्जांपल मिलता है 1967 का, जब हरियाणा के चुनावों के बाद गयालाल नाम का एक इंडिपेंडेंट नेता हसनपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीत जाता है और कांग्रेस की सरकार बनवाने के लिए कांग्रेस से मिल जाता है और भगवत दयाल शर्मा कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं। तभी मात्र एक सप्ताह के बाद 12 कांग्रेस के एमएलए कांग्रेस छोड़कर संयुक्त विधायक दल से जा मिलते हैं। संयुक्त विधायक दल की ओर से सरकार बनाने के लिए अब मात्र एक एमएलए की आवश्यकता थी। गयालाल कांग्रेस छोड़कर संयुक्त विधायक दल ज्वाइन कर लेते हैं। गयालाल मात्र 9 घंटे में 3 बार अपनी पार्टी चेंज कर लेते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग के नाम पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम बताया जाता है। राजा महाराजा के
या फिर जो कर्नाटका में 2019 में हुआ था उसे भी हॉर्स ट्रेडिंग बताया जाता है। पैसे का लालच दिखाना और हॉर्स ट्रेडिंग करना तो सिर्फ एक तरीका है। परंतु कर्नाटका में 2019 में क्या हुआ था, कांग्रेस और जेडीएस दोनों ने मिलकर सरकार बना ली थी और 14 महीनों के बाद 13 कांग्रेस के और 3 जेडीएस के एमएलए ने पार्टी से रिजाइन कर दिया और उसके कारण सरकार गिर गई। कांग्रेस ने इस पूरे इंसिडेंट को हॉर्स ट्रेडिंग कहा और ऐसा हो सकता है कि ये हॉर्स ट्रेडिंग हो भी, लेकिन 2016 में ना कर्नाटका से राज्यसभा भेजने के लिए एमएलएज की वोटिंग हो रही थी। कांग्रेस और जेडीएस ने अपने अपने कैंडिडेट खड़े कर रखे थे। जेडीएस के 8 एमएलएज ने जेडीएस द्वारा चुने हुए कैंडिडेट को वोट ना करके कांग्रेस द्वारा चुने हुए कैंडिडेट को वोट कर दिया। क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं थी? जेडीएस तो कहती है थी, पर इन घटनाओं का एक इतिहास है। 1995 बीजेपी गुजरात में सरकार बनाती है और केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद समाचार आते हैं कि शंकर सिंह वाघेला अपने सपोर्ट के 47 एमएलए के साथ गुजरात से भागकर मध्य प्रदेश के एक रिजॉर्ट में छुप गए हैं और मध्य प्रदेश में ना उस समय कांग्रेस की सरकार थी। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग के एलिगेशन सच्चे हैं? मैं तो नहीं बता सकता क्योंकि मैं तो उस रिजॉर्ट के अंदर झांक कर देखता नहीं हूँ, लेकिन आप खुद ही सोच लो, रिजॉर्ट के अंदर वो सारे एमएलए बैठकर लूडो तो खेलेंगे नहीं। फिर थोड़े टाइम बाद वाघेला ने एक अन्य पार्टी बना दी और कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया और फिर बीजेपी के 13 एमएलए तोड़ दिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया का केस और वाघेला का केस अलग कैसे हुए? महाराष्ट्र में उद्धव जी बीजेपी के साथ थे, मोदी के नाम पर चुनाव लड़कर चुनाव जीता भी और चुनाव के बाद कांग्रेस के साथ हो गए, इसे क्या कहोगे? ऐसा ही नीतीश कुमार के साथ हुआ। नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा भाजपा के साथ और अलायंस तोड़कर चले गए आरजेडी के पास, अब फिर से वापस आ गए। जो डिक्टेटर एक बंदे को संभाल नहीं पा रहा वो कैसा डिक्टेटर है भाई? डिक्टेटरशिप के पॉइंट पर आई सपोज बीजेपी को इतिहास से कुछ सीख लेना चाहिए। 1957 केरल में कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी सरकार बना ली, 11 महीने सरकार चली भी, लेकिन तभी नेहरू जी ने केरला में प्रेसिडेंट रोल लगा दिया। 1992 में बाबरी ढांचा डिमोलिश हुआ और सेंटर की कांग्रेस सरकार ने उत्तर प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। ये तो चलो फिर भी समझ में आता है, लेकिन हर उस स्थान पर जहां बीजेपी की सरकार थी, जैसे राजस्थान या मध्य प्रदेश, उन सब स्थानों से भी बीजेपी को हटा दिया, जबकि दंगे सबसे अधिक महाराष्ट्र में हुए थे जहां कांग्रेस की सत्ता थी। तो यदि हॉर्स ट्रेडिंग से डिक्टेटरशिप प्रमाणित होती है तो भारत की अधिकांश सरकारें डिक्टेटरशिप ही हैं। ये एक गंदी राजनीति है जिसे हर पार्टी मौका मिलते ही करती आई है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। भारत में डिक्टेटर सरकार है ये दिखाने के लिए अगला प्रमाण ये दिया जाता है कि भारत की मीडिया अब फ्री नहीं रही है। आज के समय कोई मीडिया हाउस सरकार के अगेंस्ट नहीं बोलता है। एनडीटीवी आखिरी टीवी चैनल था जो हिम्मत करता था सरकार से सवाल करने की। अल्टीमेटली उसे भी प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त गौतम अडानी ने खरीद ली। लेकिन ये पॉइंट भी रिटोरिक अधिक तथ्यात्मक कम लग रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी मुद्दे ऑपोजिशन बनाती है उन पर चर्चा होती है, फिर चाहे वो हाथरस हो, उस पर अंजना ओम कश्यप हो, चाहे अर्णब गोस्वामी, इन्होंने भाजपा से प्रश्न किए थे। लेकिन उसी समय ना राजस्थान के बारन में भी हाथरस जैसी एक घटना हुई थी जिस पर डिबेट्स नहीं हुई। गहलोत ने कहा कि यह अनफॉर्चुनेट है कि बारन के इंसिडेंट को हाथरस से कंपेयर किया जा रहा है। अब आप बताइए कितने लोग हाथरस घटना के बारे में जानते हैं और कितने लोग बारन घटना के बारे में। ऐसा कैसा डिक्टेटर है भाई जो अपनी इच्छा के मुद्दे पर डिबेट ही नहीं करवा पा रहा है। वेस्ट बंगाल का संदेश खली, वहां की महिलाएं जनवरी से आवाज उठा रही हैं, लेकिन मुद्दा फरवरी के मिड में जाकर बनता है और जब बनता है तो उसे कवर करने वाले जर्नलिस्ट को लाइव टीवी पर खदेड़ते हुए वहां की पुलिस ले जाती है। हमारी टीम को इस समय रिपोर्टिंग नहीं करने दी जा रही है। परंतु इन भाई साहब ने या रवीश कुमार ने या आरफा खारम ने अभी तक संदेश खली के ऊपर कुछ नहीं कहा। परंतु इसे मीडिया साइलेंस या डिक्टेटरशिप नहीं कहा जाएगा। एक डिक्टेटर मीडिया से अपना मुद्दा नहीं उठवा पा रहा है तो कैसा डिक्टेटर है भाई? इन माय ओपिनियन मीडिया द्वारा ओपोजिशन के मुद्दों पर आवाज उठती है पर सरकार के कामों को अत्यधिक एम्पलीफाई किया जाता है। परंतु क्या 2014 से पहले ऐसा कुछ अलग था? बिल्कुल अलग था जी, वो देखते हैं। पहले ना टेप्स लीक होते थे जिन्हें आप राडिया टेप्स के नाम से भी ढूंढ सकते हो, जिसमें कौन मिनिस्टर बनेगा कौन नहीं बनेगा इसका निर्णय जर्नलिस्ट ले रहे होते थे, अब नहीं ले पाते। पहले ना एनडीटीवी और स्टार न्यूज की एक डील साइन हुई थी, पता है कहां हुई थी? तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंद्र कुमार गुजराल के घर में।
आज नहीं हो पाती। In 1997, when Rupert Murdoch came to India, Star News, NDTV signed a lucrative deal with them to say we will create your programming for you for 5 years. Absolutely, of course, I remember that. Yes. $1 million a year, and guess where it was signed? It was signed in the house of the then Prime Minister, Mr. Gujral. NDTV अपनी 25वीं वर्षगांठ कहाँ मनाता है? पता है? राष्ट्रपति भवन में। मानो राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति का ऑफिशियल एड्रेस ना हो, कोई होटल हो। आज कोई मीडिया नहीं मना पाती है। दूरदर्शन एक सरकारी संस्था थी, पर एनडीटीवी जब प्रारंभ हुआ तो दूरदर्शन के इक्विपमेंट्स एनडीटीवी चुरा कर ले जाता था। ये डीडी के एडिटर ने बताया है। दूरदर्शन की टेप्स चुरा कर, जी हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ, एनडीटीवी दूरदर्शन की फुटेज चुरा कर, फुटेज बेचकर, दूरदर्शन के इक्विपमेंट बेचकर एनडीटीवी चैनल लगा। और यदि प्रोटेस्ट की बात करें तो बाबा रामदेव ने ना प्रोटेस्ट किया था 2012 में। एनडीटीवी ने उसके ऊपर कई प्रोग्राम किए। निधि राजदान ने कुछ ये पूछा। Watching left, right and center on the show tonight, it's Ramdev's turn to fast against corruption, but does he have the credibility to lead an anti-corruption movement? प्रश्न सरकार से नहीं थे, रामदेव से थे। बीजेपी ने भारत बंद के नारे दिए। रवीश कुमार ने बीजेपी के भारत बंद के नारों का विरोध कुछ इस प्रकार के ट्वीट से किया। क्या आज रवीश जी कुछ ऐसा लिख पाएंगे? और नहीं कर पाएंगे तो सोचिए क्यों। भारत का ग्रोथ रेट मनमोहन सरकार में काफी कम हो गया था। रवीश जी ने उसे नो बिग डील बनाने का पूरा पूरा प्रयास किया अपने शो में। कहीं हम जरूरत से ज्यादा, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, दुखी या रोंदू तो नहीं हो रहे हैं अर्थव्यवस्था को लेकर? क्योंकि दुनिया की जो तमाम अर्थव्यवस्थाएं हैं वो बहुत कम है, दुनिया में बहुत कम देश हैं जो 5% के रफ्तार से भी बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी की इमेज बनाने के लिए कभी छापा जाता था कि राहुल गांधी की स्माइल डिम्पल वाली है, तो कभी लिखा जाता था राहुल गांधी राजीव गांधी जैसे दिखते हैं। लिखा ये भी जाता था कि राहुल गांधी को रेसिंग बाइक पसंद है। इसी आर्टिकल में ना टाइम्स ऑफ इंडिया ये भी लिख देता है कि जवान लड़का जिसका जन्म ही देश के नेतृत्व करने के लिए हुआ है, उसे यामाहा R1 पसंद है। कभी राहुल गांधी यूथ आइकन बन जाते थे तो कभी राहुल गांधी स्टाइल आइकन बन जाते थे। राहुल गांधी के पोस्टर को केक खिलाने वाली न्यूज ना बहुत चलती थी। कांग्रेस में राहुल गांधी की पदोन्नति होती है तो द गार्डियन उसके ऊपर लिखता है, राहुल गांधी की पेडिग्री पर कोई संदेह नहीं है, वो नेहरू गांधी परिवार से आते हैं, देश के पीएम बनने का अधिकार रखते हैं। 2008 में दिन रात टीवी पर यही दिखाया जाता था कि राहुल गांधी ने किस गरीब परिवार के घर पे भोजन किया। राहुल गांधी, who drew the nation's attention to the plight of a woman called Kalawati, recounting her story in Parliament, now shared with the people of his constituency the poverty of yet another woman named Sunita from Amethi. Rahul Gandhi told the story of Sunita, a Dalit woman and mother of two, to highlight the atrocities against Dalits in Uttar Pradesh. आज तक ये समाचार चलाता था कि राहुल गांधी दिल्ली की सड़कों पर साइकिल चला रहे हैं। ये है कांग्रेस के युवा चेहरे राहुल गांधी। धूप का चश्मा लगाए, नीली टी शर्ट और लाल स्लैक्स पहने राहुल गांधी निकल पड़े हैं दिल्ली की सड़कों पर। और कुछ इस प्रकार के शोज होते थे। कभी किसी दलित के घर में अचानक चले जाते हैं, रात में ठहर जाते हैं, कभी किसी कुएं के सामने स्नान करने लगते हैं, तो कभी एयरपोर्ट से मेट्रो तक घर आने पर वो बिल्कुल अलग तरीके से नजर आते हैं। आज तक पूरा शो चला रहा था कि राहुल जी बिंदास क्यों हैं? आम लोगों के सवाल पर जितना संजीदा, निजी जिंदगी में उतने ही बिंदास हैं राहुल। टाइम्स ऑफ इंडिया राइज एंड सरप्राइज ऑफ राहुल गांधी छाप रहे थे तो गार्डियन राहुल को भारत की बेस्ट होप बता रहे थे। तो देखिए, यहाँ से ये तो क्लियर है कि मीडिया पहले भी सरकार को एम्पलीफाई करता था, पर करंट गवर्नमेंट में कोलगेट या कॉमनवेल्थ जैसे स्कैम नहीं हुए जिन पर मीडिया उस लेवल का हंगामा क्रिएट कर पाए। देखिए, विश्व की कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जिस पर आक्षेप ना लग सके, और राजनीति खेल ही लेसर इविल को चुनने का है। पर जब आप बिना सॉलिड बैकिंग के डिक्टेटर और हिटलर जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो देश की ग्रोथ और शांति के लिए बाधा बन जाते हैं। भारत में डिक्टेटरशिप का अगला प्रमाण दिया जाता है कि स्टेट एजेंसीज जैसे कि ईडी या सीबीआई का वेपनाइजेशन किया जा रहा है। अच्छा, पैसे का लालच दिखाना और हॉर्स ट्रेडिंग करना तो सिर्फ एक तरीका है, इससे नहीं माना कोई एमएलए तो दूसरा तरीका है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, ईडी का इस्तेमाल करना, ईडी की वेपनाइजेशन। क्या होता है भैया वेपनाइजेशन? 2004 से 2014 तक ईडी ने 4156 करोड़ रुपए छापा मारकर पकड़े थे। 2014 से जुलाई 2023 तक ईडी ने ही 1,17,000 करोड़ रुपए पकड़े, यानी एक साल कम लिया और 30 गुना अधिक काला धन पकड़ा।
जो रिपोर्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही है इसके अनुसार एनडीए के पहले 8 साल में यूपीए से 27 गुना अधिक रेट्स बढ़ी हैं और लगभग इतने ही गुना धन भी इकट्ठा हुआ है। तो अगर एक वेपनाइजेशन है भी तो एक अच्छा वेपनाइजेशन है। प्रश्न उन लोगों से होना चाहिए जो नहीं चाहते कि ऐसा काला धन पकड़ा जाए। 2023 में 14 ऑपोजिशन की पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई थी ईडी और सीबीआई के मिसयूज के विरुद्ध, जिस पर कोर्ट ने अभी तक तो कुछ भी नहीं कहा है। पर इस सच का दूसरा हिस्सा ये है कि 2013 में भी सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कह चुका है, पर यह कहानी उससे भी पुरानी है। 1993 में कालचक्र मैगजीन का एडिटर विनीत नारायण कोर्ट में पीआईएल डालता है और कोर्ट का ध्यान खींचता भी है। पीआईएल सीबीआई पर सरकारी दबाव के बारे में थी, जिसमें मेंशन किया गया था कि हर सक्सेसिव गवर्नमेंट ने सीबीआई को काबू में करके ही काम किया है। ये एजेंसी हर उस पार्टी की धुन पर नाचती है जो सत्ता में होती है और सरकार हमेशा विपक्ष की बांह मरोड़ने के लिए सीबीआई का प्रयोग करती है, चाहे बिल पास करवाने के लिए हो या सरकार बचाने के लिए। तो जब से सीबीआई बना तब से उसके मिसयूज की बातें हैं, पर 2004 से 2014 तक एक यूनिक काम हुआ। बताया जाता है कि सीबीआई किसी गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं कर रही थी उस समय, बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी के अंडर काम करती थी। और ये बात सत्य भी प्रतीत होती है, क्योंकि उस समय यूपीए ने एनएसी नाम की एक संस्था बनाई थी जो कि प्राइम मिनिस्टर को बताती थी कि क्या करना है, जिसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी स्वयं थी। सरल शब्दों में सरकार खुद एक पॉलिटिकल पार्टी के अंडर चल रही थी, सीबीआई की तो बात ही क्या करें। सरकार का यह हाल था कि उसके द्वारा पास किए गए बिल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फाड़ने की बातें की जाती थी। माय ओपिनियन इन द ऑर्डिनेंस इज दैट इट्स कंप्लीट नॉनसेंस एंड दैट इट शुड बी टोन अप एंड थ्रोन आउट। अब जब सरकार का यह हाल था तो सीबीआई का स्वयं सोच लीजिए। सरल शब्दों में सीबीआई सरकार के नीचे नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी के नीचे काम करती थी, जिसका काम विपक्ष को आर्म ट्विस्ट करना था, चाहे अमित शाह को मोदी के अगेंस्ट होने की धमकी देना हो, या फिर नितिन गडकरी पर रेड, या फिर एसआईटी द्वारा 10 घंटे तक चली नरेंद्र मोदी की रिमांड। ये ऐसा चुनाव है जिसमें कांग्रेस और सीबीआई ने मिलकर के भी भारतीय जनता पार्टी को पराजित नहीं कर पाए। सरल शब्दों में कोर्ट ने केवल एक बार सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा है, तब यूपीए की सरकार थी। इसके अलावा मनीष सिसोदिया का उदाहरण देकर कहा गया कि भाई सीबीआई का यूज करते हुए मनीष सिसोदिया जैसे लीडर्स को फंसाया जा रहा है। भाई साहब, जिसकी आप बात कर रहे हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक कई बार बेल देने से मना कर चुकी है। कोर्ट ने सीधे सीधे माना है कि 338 करोड़ का नुकसान दिल्ली सरकार को हुआ है एक्साइज पॉलिसी बदलने से, और ये पैसा लिक्विड डीलर्स को दिया गया है। और इस गिरफ्तारी के लिए अरविंद केजरीवाल ने खुद ही एक बार पहले कहा था, मोदी सरकार उनकी जांच क्यों नहीं कर रही, मोदी सरकार उनको गिरफ्तार करके उनकी जांच क्यों नहीं कर रही। सबसे पहले जांच तो करें, जांच करने के लिए पुलिस रिमांड तो लेनी पड़ेगी, उनसे पूछना तो पड़ेगा भाई आपका नाम आया है, ये सबूत है आपके खिलाफ, उनकी जांच क्यों नहीं कर रही। जब कोई नॉर्मल पुलिस भी अपने पर आ जाती है ना, तो बड़े बड़े सीएम रहे लोगों को बिना नोटिस करे ऐसे उठा के ले जाती है। अरविंद केजरीवाल 7 बार ईडी के सम्मन को स्किप कर चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं आ रहे हैं। ये कैसा डिक्टेटर है जिसकी एजेंसी भारत के सबसे पावरलेस सीएम को इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं बुलवा पा रही। भारत में तानाशाही सरकार का एक और प्रमाण दिया जाता है कि गवर्नर्स का यूज करते हुए राज्य सरकारों पर शिकंजा कसा जा रहा है और राज्य सरकारों को उनके हक का पैसा नहीं मिल रहा है। कि गवर्नर्स का इस्तेमाल करके हमारे डे टू डे अफेयर्स में इंटरफेरेंस करी जा रही है, हमारे कामों पर रोक लगाई जा रही है। सच कहूं तो कुछ भी भांग बेची जा रही है और उसे कंज्यूम करने वाले कंज्यूम भी कर रहे हैं। इसे समझने के लिए एक सेंट्रल टैक्स सिस्टम को समझिए। केंद्र सरकार जो टैक्स कलेक्ट करती है उसका एक हिस्सा राज्य सरकार को दे देती है, जिससे राज्य अपना शासन चलाता है। 2014 से पहले केंद्र सरकार इस टैक्स का 32% हिस्सा ही राज्यों में बांटती थी। 2015 में एक निर्णय लिया गया और इस 32% को 10% से बढ़ा दिया गया, यानी कि 42% हिस्सा राज्यों को दिया जाने लगा। इसके अलावा जो भी स्टेट्स रेवेन्यू डेफिसिट थे उनके लिए अलग से 50,000 करोड़ के लगभग दिए गए। तो राज्यों को शेयर ना मिलने वाली बात तो कोई जोकर ही कर सकता है जिसे इन बेसिक्स का नहीं पता हो। इसके अलावा एक दूसरी बात आती है गवर्नर्स का प्रयोग करते हुए राज्य सरकारों को काम न करने देने की। एक उदाहरण देखते हैं। 2018 में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने एक राशन स्कीम चलाई और 4 महीने में इसे बंद कर दिया। रीजन था स्कीम में घपला होना फर्जी राशन कार्ड्स के द्वारा, और केजरीवाल जी ने इसका सारा ब्लेम एलजी पर डाल दिया। केजरीवाल ने घोटाले का ठीकरा एलजी पर फोड़ दिया है। 2022 में जब दोबारा इस स्कीम को शुरू करना चाहा केजरीवाल जी ने, तो एलजी ने कुछ समय बाद फाइल ही लौटा दी और केजरीवाल जी एलजी को ऐसे ब्लेम करते मिले। टेंडर हो चुके थे, सारी तैयारी हो चुकी थी, बस अगले हफ्ते से ये शुरू होने वाला था, ये क्रांतिकारी कदम होने वाला था, और अचानक आपने 2 दिन पहले इसको रोक दिया।
अब बताइए जिस स्कीम में स्कैम रिपोर्ट हुआ है उसे कैसे पारित किया जाए, और पारित ना करो तो आप हिटलर हो। और गजब बात यह है कि दिल्ली सरकार की ऑलमोस्ट हर स्कीम में स्कैम की शिकायत है, चाहे वो लाखों फर्जी वर्कर्स वाला कंस्ट्रक्शन वर्कर स्कैम हो, सरकारी स्कूल में कमरे बनाने वाला घोटाला हो, या फिर DTC बस खरीदने के भीतर घपले की बात हो, या फिर पावर सेक्टर का स्कैम हो, या फिर जल बोर्ड का स्कैम हो, या फिर शराब घोटाला हो। दिल्ली सरकार की कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है जो बिना जांच के पास की जा सके। 3 मिनिस्टर और बड़े नेता जेल में पड़े हैं, प्रमाण इतने स्ट्रांग दिखते हैं कि कोर्ट बार बार बेल ठुकरा रही है। कैसे आपकी पॉलिसी बिना जांच के आगे जाएगी? बाय द वे, दिल्ली उन गिने चुने राज्यों में से है जहां केंद्र की आयुष्मान योजना लागू नहीं हो पाई है। क्या ये डिक्टेटरशिप है? तानाशाही का उदाहरण देते हुए ही एक और बात कही जाती है कि ये सरकार ऑर्डिनेंस लाकर अपनी मनमानी करती है। भारत सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार नेहरू जी 70 ऑर्डिनेंस लाए थे अपने कार्यकाल के भीतर ही, और इंदिरा जी 195। जिन लगभग 50 सालों में कांग्रेस ने रूल किया है उसमें 456 ऑर्डिनेंस लाए गए, यानी 9 ऑर्डिनेंस हर साल। यदि ऑर्डिनेंस लाना ही डिक्टेटर बनाता है तो इस देश के सबसे बड़े डिक्टेटर नरसिम्हा राव रहे, जिनके कार्यकाल में 109 ऑर्डिनेंस आए थे 5 साल के भीतर। उसके बाद इंदिरा गांधी, और उसके बाद राजीव गांधी और नरेंद्र मोदी बराबर। पिछले 60 सालों में 2022 एक ऐसा साल गया है जिसमें कोई ऑर्डिनेंस नहीं आया है। इनफैक्ट 2019 के बाद से ऑर्डिनेंस का नंबर लगातार गिरता जा रहा है। मनमोहन सिंह जी के समय 10 बार प्रेसिडेंट रूल लगाए गए, नरेंद्र मोदी के समय 5 बार। बड़ा विचित्र डिक्टेटर है ये आदमी। आगे भारत को डिक्टेटरशिप प्रूव करने के लिए बताया ये गया कि लोगों को प्रोटेस्ट करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। लेकिन अगर लोगों से प्रोटेस्ट करने का अधिकार ही छीन लिया जाए तो? हाल ही में जब किसान दोबारा से उतरे सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के लिए तो सरकार ने नुकीली कीलों के साथ उनका स्वागत। ये भी कमाल ही है कि NTCA प्रोटेस्ट 101 दिन चला। पहला किसान आंदोलन 13 महीने चला, और ये दोनों प्रोटेस्ट ऐसे किसी रामलीला मैदान में नहीं हुए, ये हुए बीच सड़क पर, पूरा ट्रैफिक या इंडस्ट्रीज को रोक के, हजारों करोड़ के नुकसान को करते हुए। और दोनों प्रोटेस्ट में डिमांड क्या? एक में बोला जा रहा था कि भारत के मुस्लिम समुदाय को भारत से मत निकालो। सरकार ने पूछा कौन निकाल रहा है, इन्होंने बोला ये हम थोड़ी बताएंगे, ये तो सरकार बताएगी। एनआरसी का कहाँ है एनआरसी का? सरकार से पूछे, मैं मुझसे क्या पूछ रही है। और दूसरे प्रोटेस्ट में डिमांड ऐसी कि जो मांग वर्षों से मांग रहे थे, और जब वो वर्षों की मांग पूरी हो गई तो धरने पर बैठ गए कि पूरी क्यों कर दी। और कमाल की बात ये है कि उन प्रोटेस्टर्स की बात सुनते हुए फार्म लॉज को वापस ले लिया गया। भाई साहब, कौन सा डिक्टेटर है जो कानून पास करने के बाद वापस ले लेता है क्योंकि कुछ लोग धरने पर बैठ गए। फिर वीडियो में बताया गया कि प्रोटेस्टर्स के ऊपर टियर गैस छोड़ी जा रही है, पीसफुल प्रोटेस्ट को भी नहीं होने दिया जा रहा है। फिर किसानों के ऊपर रबर बुलेट्स चलाई गई, उनके ऊपर टियर गैस फेंकी गई, वो भी ड्रोन्स का इस्तेमाल करके, मानो ये कोई वॉर जोन हो। पर क्या किसानों का नया आंदोलन पीसफुल था? कुछ वीडियोस देखते हैं। सानू लग खालिस्तान बना दो, सानू लग पाकिस्तान बना दो, सानू ऐ कह रहे हैं भी आप पक्के ला लो खालिस्तान साडा, सानू दे दो, जे यही हाल होया तो असि खालिस्तान भी लेंगे, फिर हुण तां खाली हाथां ही आ वीरे, फिर एके 47 आउणगियां। हाथों में तलवार लिए सर काटने की धमकियां पीसफुल प्रोटेस्ट से निकल रही थी। तुसी टोपी वाले जिन्ना मर्जी आ जाओ, तुसी रोक नहीं पाओगे। फायर होया या रबर तो तुसी मारे, ते हिसाब लगा लियो अपना। पीसफुल प्रोटेस्ट ने पुलिस इक्विपमेंट्स छीन लिए। भाई जी आगे जाके लड़के कुट के खोके लेके आया हरियाणा पुलिस नु, एक बापू आ लेके आया। और डिमांड्स क्या वो फिजिबल थी? भारत के बजट से अधिक की फार्मर्स डिमांड थी। पर ऐसे प्रोटेस्ट को जिसमें हिंसा भी हुई है और जिन्होंने थोड़े समय पहले ही लाल किले पर उपद्रव फैलाया था, उन्हें फिर से उपद्रव फैलाने के लिए वापस आने दिया जाए? पर चलिए एक घड़ी को मान लिया जाए कि आंदोलनकारियों पर पुलिस बर्बरता कर रही है, और ये जो आंदोलन है ना वो पीसफुल भी है, तो इतिहास में क्या क्या किया गया है पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर? 1957 केरल में एक प्रोटेस्ट प्रारंभ हुआ, डिमांड थी कि केरला में जो तमिल स्पीकिंग एरियाज हैं उन्हें केरला से अलग किया जाए। नेहरू जी की नीति थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण होगा, तो उसी आधार पर ये प्रोटेस्ट था। कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रोटेस्टर्स पर असली की गोलियां चलवा दी। कुछ साधुओं ने गौ रक्षा के लिए दिल्ली में प्रोटेस्ट किया, उन साधुओं के ऊपर भी गोलियां चलवा दी गई। प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे। इंदिरा गांधी ने ये इमरजेंसी लगाई जिसमें प्रोटेस्ट तो छोड़िए बोलने तक का अधिकार नहीं था, और देश में खुलेआम नारा ये लगाया गया, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। 2012 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, स्वामी रामदेव रामलीला मैदान में अनशन करते हुए प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट था, रात के अंधेरे में सोते हुए लोगों पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया।
ऐसे ना और भी कई एग्जाम्पल्स हैं, पर चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने का ये प्रयास करते हैं कि असली डिक्टेटर्स कैसे होते हैं। डिक्टेटर्स होते हैं हिटलर जैसे, मुसोलिनी जैसे, स्टालिन जैसे, जिसने डेलिबरेटली 60 लाख लोगों के जीवन को छीन लिया। उसी स्टालिन के नाम पर तमिलनाडु के सीएम का नाम रखा गया है। पोल पॉट जैसे लोग डिक्टेटर हैं, जिसने लगभग 30 लाख लोगों की लीला समाप्त कर दी। क्या भारत में ऐसा कुछ हुआ है? और यदि आज भारत में डिक्टेटरशिप है तो नेहरू जी क्या कर रहे थे, वो सुनते हैं। The first amendment was brought in with clauses of reasonable restrictions, incitement, disruption of public order. Majru was jailed for 1 year for calling Nehru Hitler ka chela. First democratically elected communist government in Kerala was dismissed. Stanley Wolpert's book 9 Hours to Rama was banned. The book Chandra Mohini was banned. Aubrey Menem's The Ramayana was banned. Campbell's The Heart of India was banned. Costner's The Lotus and the Robot was banned. Import of any newspaper that undermined friendly relations with foreign states was banned. Aziz Beg's Captive Kashmir was banned. Frischler's Aisha was banned. Bertrand Russell's Unarmed Victory was banned. Robson's 9 Hours to Rama was banned. Sardanvi's Markaya Somnath was banned. Robert Taylor's The Dark Urge was banned. Selling Lady Chatelier's Lover was banned. The book What Has Religion Done for Mankind was banned. Rawat Wang's Bhupat Singh was banned. Import of any obscene drawing or painting was banned. Mrinal Sen's film Neel Akshar Niche was banned. Menon's Rama Retold was banned. Tony Hagen's book Nepal was banned. The RSS organizers were censored. Its publishers prosecuted. Film Gokul Shankar was banned. Godse's testimony was banned. एक और नेहरू जी 16 बुक बैन किए बैठे थे, इंक्लूडिंग मौलाना आजाद की बुक, क्योंकि उन्होंने नेहरू जी की थोड़ी सी तारीफ ज्यादा कर रखी थी उस बुक में। दूसरी ओर राणा अयूब मोदी पर लिखी झूठ से भरी गुजरात फाइल्स, उसे लिखकर रिलीज भी करवा देते हैं, जिस पर कोर्ट कहता है कि ये सब कुछ इमेजिनेशन से लिखा गया है। ये कैसा फर्जी डिक्टेटर है भाई? जो नेहरू काल में हुआ, क्या ऐसा कुछ आज के भारत में हुआ है? एक्चुअल सत्य बस इतना है कि इस समय मुद्दों का अभाव है। ना महंगाई मुद्दा बन पा रही है, ना अर्थव्यवस्था, और ना ही बेरोजगारी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कोई भाव नहीं दे रहा है। ऑपोजिशन के मुद्दे हैं, लोग फोन चला रहे हैं। चाइना वाला सेलफोन दिखाओ, 8 से 10 घंटे हिंदुस्तान के युवा ये करते हैं। ऐश्वर्या राय नाच रही है, अमिताभ बच्चन राम मंदिर में गया, उसमें एक तरफ ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखेगी। उधर देखो, वो देख ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या राय अमिताभ बच्चन नाचते हुए दिख जाएंगे, डांस करते हुए। अडानी मोदी का दोस्त है। पार्लियामेंट हाउस में मैंने नरेंद्र मोदी जी और अडानी जी के रिश्ते के बारे में सच्चाई बोली। अब चुनाव लड़ने के लिए कुछ तो चाहिए, तो हिटलर के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। प्रश्न केवल इतना, अगर नेहरू जी डिक्टेटर नहीं थे तो आज का भारत डिक्टेटरशिप के अंडर कैसे है? देखिए, यदि नरेंद्र मोदी एक डिक्टेटर हैं तो नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह सभी डिक्टेटर हैं, क्योंकि जिन आरोपों के कारण मोदी डिक्टेटर हैं वो सभी आरोप भारत के हर प्रधानमंत्री पर लग सकते हैं। एक्चुअली में ये सब राजनीति का अंग है, जिसमें हर पार्टी लिप्त है, नेहरू, इंदिरा, मनमोहन सिंह और मोदी सब। इस राजनीति को डिक्टेटरशिप कहकर ब्रेन वॉशिंग करना भी एक राजनीति ही है, और इसी कारण पॉलिटिक्स और गवर्नेंस में अंतर करना आना चाहिए। सरकार गवर्नेंस करती है, पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स करता है, और एक प्रधानमंत्री में ये दोनों चीजें होती हैं। बस इसी कारण से राजनीति पर चर्चा कीजिए, उसे कोसिए, गाली दीजिए, क्रिटिसाइज कीजिए, पर वोट गवर्नेंस पर और बड़े फैसलों की शक्ति वालों को दीजिए। आर्टिकल 370 बिना सख्त निर्णय के नहीं हट सकता था। जहां बच्चों के हाथों में गेंद के स्थान पर पत्थर पकड़ाए जा रहे थे, वहां आज शांति है, और लाल चौक पर किसी का बाप तिरंगे को नहीं छू सकता है। यदि ये तानाशाही है तो ऐसी तानाशाही भारत का हर नेता करे। यदि शौचालय, बैंक अकाउंट, नल से जल, गैस सिलेंडर, बिजली उन लोगों तक पहुंचाना डिक्टेटरशिप है जो स्वाधीनता के बाद से लंबे समय तक 18वीं सदी में जीने को विवश थे, तो ऐसी डिक्टेटरशिप भारत को लंबे समय तक चाहिए। यदि भारत को आधुनिक रेल, सड़कें, मेट्रो, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना डिक्टेटरशिप है, तो मैं स्वयं इस तानाशाही का अंग बनना चाहूंगा। यदि 25 करोड़ लोगों को गरीबी के अभिशाप से मुक्त करना डिक्टेटरशिप है, तो आप भी एक डिक्टेटर बनने का सपना पालिए। यदि 500 वर्षों तक 75 युद्धों से अयोध्या की भूमि को सींचने के पश्चात भी अपने आराध्य को टेंट से भवन तक पहुंचाने के लिए एक तानाशाह चाहिए, तो ये तानाशाही भारत का लक्ष्य होना चाहिए। यदि गांव में बैठे एक मजदूर के बेटे को हिंदी में MBBS की शिक्षा का अधिकार देना डिक्टेटरशिप है, तो ऐसी तानाशाही भारत के DNA में बस जानी चाहिए। भारत में डिक्टेटरशिप है या नहीं, ये आपको तय करना है। आपका निर्णय कमेंट्स में बताइए। भ्रम तोड़ने के लिए इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। हमें सपोर्ट कीजिए UPI और Patreon के माध्यम से, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। स्क्रीन पर दिख रहा दूसरा वीडियो अवश्य देखिए, जो बंगाल का सच दिखाता है, सौंदेश खली का सच दिखाता है, उसे अवश्य देखिए। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।